हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ सूरतगढ़ एंड टाइम हो रहा है 2:30। हाँ मतलब 15-20 मिनट। हनुमान जी का मंदिर है ये, एंड ये है अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन। तो ये वाला अपना होटल था, तो आज अपना प्रोग्राम है कि अपन यहाँ से अनूपगढ़ से जाएंगे सूरतगढ़, सूरतगढ़ से फिर अपना ट्रेन है 3 बजे का, एंड अभी टाइम हो रहा है 10:36। कल रात में ऐसा था कि मैं फोर्ट देखकर लैला मजनू की मजार एयरपोर्ट देखकर, एक मिनट इसको होल्ड करने का भी सिस्टम है, इसको होल्ड ही कर लेता हूँ। तो कल लैला मजनू की मजार देख के मैं वापस आ गया था, फिर फोर्ट देखने के लिए गया हम दोनों, मेरे साथ में जो थे भैया, एंड फोर्ट देखने के बाद मैं वापस आ गया था रूम पे आके नहा धो के खाना वाना खा के सो गया था। फिर अभी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, एंड अभी टाइम हो रहा है 10:37। 12:20 शायद यहाँ से ट्रेन है अनूपगढ़ से सूरतगढ़ के लिए, तो वो ट्रेन कम से कम 1 घंटा 40 मिनट लगाएगी यहाँ से सूरतगढ़ जाने के लिए। तो फिर मैं सूरतगढ़ जाऊँगा, सूरतगढ़ से मेरा 3 बजे का ट्रेन है, सूरतगढ़ से अमृतसर के लिए, जो अमृतसर रात में 12 बजे समथिंग छोड़ेगी मेरे को। तो कल मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा, तो आज का शेड्यूल ये रहेगा। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, मैं रेडी हो चुका हूँ, पूरी पैकिंग हो चुकी है मेरी, एंड बस थोड़ा सा टाइम और फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन जस्ट पास में है, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट मान के चलो, 5 मिनट का रास्ता है होटल से। तो मैं यहाँ से 12 बजे समथिंग निकल जाऊँगा रेलवे स्टेशन के लिए, और 10-15 मिनट बाद में मैं जाऊँगा नीचे चेकआउट करके आ जाऊँगा, बिल बिल वगैरह बिलिंग वगैरह करके, ताकि आते ही सीधा टैक्सी वैक्सी बुक करवा के निकल जाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ पर ठंड वगैरह ज़्यादा बता रहा है कुछ कि ठंड है, मैं अभी तक बाहर नहीं गया, लेकिन बोल रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ओस हो गया है अभी फिलहाल। तो मैंने कुछ गर्म कपड़े पहन लिए और थोड़ा सा पैकिंग रही है जो मैं भी कर लेता हूँ। आज का दिन ज़्यादातर ट्रेन सफ़र में रहेगा, यहाँ से 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे ये एंड प्लस 3 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक, 6 घंटे वो मान के चलो, 6 और 2 8 घंटे समथिंग सफ़र रहेगा ट्रेन के अंदर। तो आज ट्रेन के मजे लेते हैं, कल बाबा जी के लिए अमृतसर जाएंगे, तो मैं कल जल्दी, तो हाँ मतलब 10 बजे अराउंड मैं निकल जाऊँगा। जो भी रहता है मैं आप लोगों को बताता रहूँगा क्या प्रोग्राम है, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, एंड वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर चेकआउट के टाइम में। हाँ जी, तो टाइम हो गया है 11:32, एंड अभी अपन जा रहे हैं नीचे चेकआउट कर लेते हैं सबसे पहले, एंड फिर यहाँ से चेकआउट करते हैं रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो ये इस रूम को टाटा बाय करने का वक्त आ चुका है, एंड ये रूम मेरे को पड़ा है 1800 रुपये समथिंग, 1800+ टैक्स है एंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो इस रूम को अभी टाटा बाय करते हैं, एंड अभी जाते हैं नीचे चेकआउट करके फिर निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। अपना लगेज रेडी हो चुका है, एक ये बैग है एंड एक ये बैग है। तो ये वाला अपना होटल था, एंड ये बस स्टैंड है, एंड बस स्टैंड से सीधे सीधे जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा सीधा रेलवे स्टेशन के लिए। तो रेलवे स्टेशन यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर का अभी यहाँ से रिक्शा इधर से आएगा, तो रिक्शा लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा ही है, एकदम ओस वगैरह है फिलहाल में मॉर्निंग में, एंड ये रहा यहाँ का फ्रंट व्यू। सामने सामने जाएंगे तो है रेलवे स्टेशन के लिए, हार्डली 5 मिनट में, 5 या 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ से जाते स्टेशन, फिर आगे का जो भी रूट रहेगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। वैसे फिलहाल मैं अभी रिक्शा में बैठ चुका हूँ, समथिंग लेगा रेलवे स्टेशन जाने का। ये अनूपगढ़ सब्जी मार्केट, ये अपन अपने रेलवे स्टेशन अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन। तो बाहर से इस तरह से कुछ दिखता है ये, है जैसलमेर जितना ही है, लेकिन जैसलमेर वाला अभी तोड़ दिया है, लेकिन पहले जैसलमेर वाला भी इतना ही था, अभी जैसलमेर वाला जो बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है। एंड ये जो मंदिर जो कल भैया बता रहे थे ना कि इस मंदिर को हटाने के लिए भी काफ़ी मतलब बहुत किसी ने जो भी करना था करा, लेकिन हटा नहीं यहाँ से। ये मंदिर अभी माँ बलि हनुमान जी का मंदिर है ये, एंड ये है अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन। तो एक फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। Thank you.
ट्रेन तो आ गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर है, दिखाई नहीं दे रही, बहुत स्लो आ रही है। ये जो ट्रेन है यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगी। ये मालगाड़ी जैसा क्यों लग रहा है? अच्छा, ये जो स्टेशन है, ये लास्ट स्टेशन है, यहीं से ट्रेन वापस ले जाएगी, यहीं से बहुत स्लो आ रही है। 2 मिनट और लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में। तो ये जैसलमेर जैसे पहुँची और ट्रेन रिटर्न हो जाती है, वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही बॉर्डर के एरिया में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि ट्रेन जाती है और वापस रिटर्न आ जाती है। तो ये गाड़ी 1 घंटा 50 मिनट लगाएगी यहाँ से सूरतगढ़ पहुँचने में, 1 घंटा 50 मिनट। फिर 3 बजे के आगे की ट्रेन है और वो लगाएगी कम से कम 6 घंटे। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ सूरतगढ़ एंड टाइम हो रहा है 2:30। मैं मतलब 15-20 मिनट पहले पहुँच चुका था और मैं अभी मार्केट जा कर आया हूँ, कुछ खाने के लिए सामान वगैरह लेकर आया हूँ। मैंने कुछ भूख वगैरह लगेगी तो रात में तो कुछ खा लूँगा, जैसे बिस्किट लिए है, कुछ चिप्स वगैरह, सब बिस्लरी वगैरह तो लेने गया था। अभी मैं वापस आ गया हूँ। जो अपनी ट्रेन है वो आ रही है अपने 2:55 की है, मतलब ऑन टाइम ही है, 3 बजे का टाइम है। 2:55 यहाँ पर पहुँच जाएगी, 5 मिनट यहाँ रुकेगी फिर निकल जाएगी। वो भगत की कोठी से आ रही है शायद मेरे ख्याल से सूरतगढ़। तो वो ट्रेन अपने को रात में 1 बजे तक छोड़ देगी अमृतसर से। फिर अपन वहीं पे कोई रूम वगैरह लेंगे, उसके बाद में आगे का जो भी प्रोग्राम रहेगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, लगेज वगैरह रख दिया है एंड कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता हूँ ताकि बीच में रास्ते में भूख मिले। मैं ज़्यादा ही ट्रेन में सो जाऊँगा मस्त अच्छे से, अपना रिजर्वेशन तो हो ही रखा है तो ज़्यादा सीट मिलते ही सो जाएंगे अच्छे से। अपना लगेज ही पड़ा इधर, बस ट्रेन आने का इंतज़ार, फिर अपने भी रवानगी हो जाएगी। यह है सूरतगढ़ का स्टेशन, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से बन रहा है और बन भी रहा है, बाहर भी बन रहा है, सब जगह काम चल रहा है, ऑलमोस्ट सभी स्टेशन पे काम चल रहा है। सो फाइनली मैं अपने बॉक्स में आ गया हूँ, ये रहा अपना सीट एंड बहुत ज़्यादा आगे बैठ गया था मैं, बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से। ये ट्रेन थोड़ा सा लेट है, अभी टाइम हो रहा है 3:15। वैसे इस ट्रेन को 2:55 में पहुँचना था लेकिन 3:15 पर पहुँची है, तो देखो थोड़ा सा लेट चल रहा है। आगे एक शेड्यूल पता नहीं, अभी मैं बैग वगैरह डालता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। एसी कोच है तो पहले मैं अभी ना सेटअप कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से वापस।